आज का ये वीडियो बहुत ही खास वीडियो है आप सभी के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्लॉट का क्षेत्रफल और खेत का क्षेत्रफल किस तरह से आप फाइंड आउट करते हो। यानी कोई प्लॉट यदि फुट में उसकी माप दे रखी है तो आप किस तरह से बता सकते हो कि वो कितने गज है। यदि कोई खेत की भुजाएं आपको दे रखी हैं फुट में तो आप कैसे बता सकते हो उसका क्षेत्रफल ये कितने बीघा है। तो कितने बीघा है क्षेत्रफल हम निकालना सीखेंगे और साथ में सीखेंगे प्लॉट कितने गज का है। मोस्टली आपने इस तरीके के प्लॉट आपने देखे होंगे, कोई मोल टाइप का होती है, जैसे मान लीजिए सड़क है और सड़क इस तरह से जा रही है और आजकल क्या है प्लॉट इस तरीके से होते हैं कि एक भुजा उसकी छोटी है एक बड़ी है, पीछे से बिल्कुल सीधी है लेकिन आगे से क्या है कि सड़क थोड़ा सा घुमावदार है तो वहां पर क्या होता है इस तरीके से कर्व बन जाता है। तो इस प्लॉट की आपको माप बतानी है और इस प्लॉट का आपको क्षेत्रफल आपको बताना है कि ये कितने वर्ग गज है। तो ये बताना है कि ये प्लॉट कितने गज का बैठेगा, ये कितने गज का बैठेगा, इसकी माप दे रखी है, एक भुजा दे रखी है 80 फुट की, ये दे रखी है 60 फुट की, पीछे इसकी चौड़ाई कितनी है 40 फुट है और आगे इसकी 45 फुट है। ठीक है, तो इस तरीके से। और कभी कभी क्या होता है आगे आपकी चौड़ाई उसकी कम होती है पीछे ज्यादा होती है, इस तरीके के प्लॉट मिलते हैं। और मोस्टली आजकल क्या है लंबे लंबे प्लॉट ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि फ्रंट पर सड़क पर क्या होता है प्लॉट की माप थोड़ी कम होती है चौड़ाई। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे आगे 16 फुट दे दिया और लंबाई इसकी 60 फुट दे दी इस तरीके से, तो इसमें कितने गज का बैठेगा ये प्लॉट। ठीक है, ये बताना है आपको। ठीक है, कुछ इस तरीके से होते हैं जो कर्वाकार ये सड़क निकल के जा रही है तो ये थोड़ा ये कैसा 36 फुट है, ये पीछे की साइड में 30 फुट है और आगे ये इस तरीके से। कोई इस तरीके से होते हैं गौमुखा इस तरीके से होता है, तो कुछ कैसे होते हैं आगे से चौड़े बिल्कुल पीछे बिल्कुल ही इस तरह से रहेंगे संकीर्ण टाइप के। ठीक है, तो बहुत तरीके होते हैं प्लॉटों के, तो वो आप एक मेथड समझोगे उससे सारे क्षेत्रफल निकालना सीख लोगे। और बाकी में जिस किसी को भी अपने घर का अपने खेत का क्षेत्रफल चाहिए तो वो अपनी भुजाएं लिखकर हमको कमेंट कर सकता है। तो देखिए ये वाला प्लॉट नंबर वन का हम क्षेत्रफल पहले बताएंगे, फिर उसके बाद में इस वाले प्लॉट नंबर दो का क्षेत्रफल आप स्वयं निकालोगे। मैं आपको तरीका बता दूंगा, दो तरीके बताऊंगा, 200 ट्रिक भी बताऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका ये तो समझ ही गए हैं आपका, ये इस तरीके से सड़क है और यहाँ पर इस तरीके से प्लॉट कटा हुआ है। तो प्लॉट नंबर एक को मैंने कैसे लिख दिया है, इस प्लॉट को मैंने यहाँ पर लिख दिया है इस तरह से। आप जैसे भी आपका मन करे यहीं से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने इस तरह से लिख दिया है, देख लीजिए। ये वाली 30 वाली भुजा ये रही, ओके, और ये 40 वाली भुजा ये रही, इससे बड़ी वाली भुजा 60 वाली ये रही और 36 वाली ये रही। ठीक है, इसके दो तरीके हैं, दोनों तरीकों में से कोई से भी तरीके से आप कर सकते हो, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। ठीक है, देखिएगा दो तरीके हैं। पहला तरीका समझिए, पहला तरीका तो इसको ऐसा करो यहां से यहां तक इसका त्रिभुज बना के कर दीजिएगा। क्या कर दीजिए, त्रिभुज बना के आप इसका कर दीजिए। एक तरीका यह है कि आप इसको क्या कर दीजिए, यहां से आप एक लंब डाल दीजिए तो एक आपका आयत बन जाएगा और एक आपका त्रिभुज बन जाएगा, उससे आप कर दीजिए। दोनों तरीके हैं, पहले आप शॉर्ट तरीका समझो, पहले लॉन्ग तरीका समझ लो, फिर आपको ट्रिक भी बताऊंगा। पहले ये दोनों ही मेथड है, कॉन्सेप्ट देखिएगा। पहले क्या है कि यदि मैं यहां से क्या कर दूं, एक इस तरह से लंब डाल दूं, ये वाला इस तरह से मैंने क्या कर दिया, यहां पर लंब डाल दिया तो आपको दिखाई देगा एक त्रिभुज, दे दो त्रिभुज दिखाई दे, त्रिभुज ए बी डी और प्लस एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको बी सी डी ये वाला। और इस वाले त्रिभुज में क्या है, यहां पे देखिएगा ये 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, यानी कि बिल्कुल सीधा दे रखा है, तो ये वाला क्या बनना है, समकोण त्रिभुज बन गया। तो इसका तो डायरेक्टली निकल जाएगा इतने का क्षेत्रफल, लिखेगा इतने का डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये अपने आप में क्या बन रहा है, ये अपने आप में एक इस तरीके का त्रिभुज बन रहा है, कैसा, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज यानी कि जिसमें एक 90 डिग्री का इस तरह से भुजा हो जिसमें, तो वो समकोण त्रिभुज होता है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखिएगा, चलेगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू लंब, क्या होता है, ये होता है 1/2 आधार इंटू लंब, ओके। चलिए एक और चीज होती है समकोण त्रिभुज में, हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कर्ण, कर्ण का स्फीयर बराबर
होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हम देखिएगा बी सी डी आपको दिखाई दे रहा है कि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि इसमें 90 डिग्री यानी इस तरीके की भुजा दिखाई दे रही है। तो ये तो इसका मतलब क्या है, बी सी डी यानी कि बी, थोड़ा सा डार्क पेन से लिख रहा हूं ताकि आपको दिखाई, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल आपको कितना मिल जाएगा, 1/2 आधार इंटू लंब। आधार क्या है, आधार देखिएगा, क्योंकि ये वाला ये है, इसमें क्या होगा कि आपका आधार ये लंब ये, क्योंकि ये जो है आपका दिखाई दे रहा है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, ये वाली कर्ण होती है। इस वाली भुजा को छोड़ दो, बाकी इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यदि थीटा हम इसे मानेंगे तो ये आधार होगा, ये वाला लंब होगा। यदि थीटा यहां पे मानेंगे तो ये वाला आधार होगा, ये वाला लंब होगा। लेकिन कर्ण चेंज नहीं होता है। कर्ण का याद रखिएगा कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो हमको ये पता चल रहा है कि 90 डिग्री यहां पे बन रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा यानी कि ये वाली भुजा कर्ण है। तो लंब ये, आधार ये, आधार ये, लंब ये, तो कुल मिला के बात ये, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो आधार इंटू लंब, तो आधार हम इसको मान ले 40 को और लंब हम इसको मान ले रहे 30 को। ओके, ये हो गया। इससे 40 में 2 का भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 गुणा 30 तो यानी कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, 600 वर्ग फुट, क्योंकि ये फुट में बात चल रही है। ओके, ये फुट था। तो ये वाला जो क्षेत्रफल था यानी कि बी सी डी का जो क्षेत्रफल है, यानी कि ये पूरा का पूरा ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये आ गया आपका 600 स्क्वायर फुट, ठीक है, 600 वर्ग फुट ये वाला आ गया क्षेत्रफल, ठीक है। ओके, इतना आ गया। अब बात करते हैं हम इस वाले क्षेत्रफल की निकालने के लिए। इस वाले क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको ये वाला भुजा भी आपको पता होनी चाहिए, तभी तो निकलेंगे, क्योंकि ये वाली भुजा आपको पता होनी चाहिए, यानी बी डी या डी बी। और डी बी कैसे निकलेगा आपको पता है, इसमें हम कर्ण वाला ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर यानी कि आपका बी डी का स्क्वायर, सॉरी यहां पर लिख दे रहा हूं, बी डी ये वाला बी डी का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, ठीक है, बीडी का स्क्वायर लंब का स्क्वायर। लंब क्या है यहां पर, लंब इसको मान लो 30 का स्क्वायर प्लस, और आधार क्या है माना है हमने 40 का स्क्वायर। तो आपका बीडी बराबर आपका क्या निकालेगा, रूट में क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900, और 4 का स्क्वायर 1600, ये हो जाएगा। यानी कि ये टोटल मिला के 1600 900 2500, और 2500 का वर्गमूल करोगे तो 50 आ जाएगा। 50 क्या जाएगा, 50। तो आपको पता चल गया ये वाली जो चीज है आपकी 50 फीट आएगी, ये वाली बीडी आपकी कितनी आएगी, 50 फीट आएगी, 50 फीट। अब आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है ए बी डी, ये वाला 60 फुट, ये वाला 50 और ये वाला 36, यानी तीनों भुजाएं अलग अलग दे रखी हैं। और इसको हमको इसमें नहीं लगा देंगे, वह आधार इंटू लंब इसमें नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये त्रिभुज कैसी है, विषमबाहु त्रिभुज है। और विषमबाहु त्रिभुज यानी कि जिसमें तीन भुजा तो हैं लेकिन सभी अलग अलग होती हैं, तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, उसमें फॉर्मूला लगता है आपका, जब भी कभी भी इस तरीके से अलग अलग त्रिभुज होती हैं, ए बी सी अलग अलग हैं, तो उसमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगता है अंडर रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। और एस क्या होता है, एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे दो, यानी कि तीनों भुजाओं की अर्धमाप, यानी त्रिभुज की अर्ध परिमाप, यानी कि तीनों को जोड़ के 2 का डिवाइड कर दो, ठीक है, इतना समझ में आई। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, इस वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले एस निकाल लो। तो एस कैसे निकलेगी, एस निकलेगी 60 प्लस 50 प्लस 36 बटे 2। तो ये कितना हो जाएगा, देखिएगा 6 और 5 11 है, 110 और 36 तो 146 बटे 2, यानी कि ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 73, एस बराबर 73 आ गया। और हमने क्या बताया था, क्षेत्रफल यानी त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो कुल मिलाकर एस की जगह पर तो कितना आ गया, 73 आ गया, ठीक है, 73, क्योंकि 2 का भाग कर देंगे 73 आ गया, 73
अब 73 में से 60 गए, 73 में से 50 गए, इन्हीं को भुजाओं को घटाना होता है। तो 73 माइनस 60 और 73 माइनस 50 और 73 माइनस 36 ये घटा दो, तो ये कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा 73 गुणा 73 में से 60 गए तो 13 बचेंगे, 13 गुणा 73 में से 50 गए तो आपको वैसे ही पता दिखाई दे रहा है 70, 70 में से 50 चले जाएंगे तो कितना बचेगा? 70 में से 50 गए तो आप समझ लीजिए 20 बचे, है ना, 20, और ये 3 और जोड़ दीजिए इसमें तो 23 हो जाएगा, ये 23 हो गया। ओके, 73 में से 36 जाएंगे, 73 में से 36 जाएंगे कैसे? यहाँ पे यहाँ पहले कितना, 13, 13 में से 6 जाएंगे तो 7 बचेंगे, और यहाँ पर बचेंगे 6, 6 3 37, 37 बचेंगे। ठीक है, अब इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, मल्टीप्लाई में कैलकुलेटर से कर दे रहा हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई कीजिएगा, मैंने यहां पर क्या कर दिया है, इन तीनों की मल्टीप्लाई किया तो इतना आया, मल्टीप्लाई तो आप कर लोगे, मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है वर्गमूल, वर्गमूल करना आप पर आना चाहिए, वर्गमूल नहीं आता है तो सीख लेना, उसका भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, पूरी तरह सीख लेना, क्योंकि वर्गमूल यदि सिखाने लगा तो ये चीज भूल जाएगी आप, ठीक है, इसलिए इसका वर्गमूल हो गया इतना। ठीक है, चलिएगा, इतना आ गया, इतने वर्ग फुट, इतने वर्ग फुट क्या आ गया, ये वाला जो था, ये वाला आ गया आपका कितना, 898.7 वर्ग फुट, इतने वर्ग फुट, एक्चुअली में क्या है, 898.665, लगभग लगभग यदि मैं इसको बराबर कहना चाहूं तो 899 वर्ग फुट भी कह सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 1-2 इंच का फर्क पड़ेगा, कोई इसमें ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है, 898 कह दूं, 899 कह दूं, या मैं इसको लगभग लगभग 900 वर्ग फुट भी कह सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए वैसे फिलहाल आप इतना ही रखिए पॉइंट में, कोई दिक्कत नहीं है। इतना समझ में आया, इसका 600 वर्ग फुट आया था, इसका 899 आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनको आप जोड़ दीजिएगा, उत्तर आपका आ गया। इन दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, दोनों को हम जोड़ देंगे तो आपका देख लीजिए कितना आ रहा है, दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों इस वाले त्रिभुज का भी आपको क्षेत्रफल निकला है, इसका भी निकला है, तो टोटल क्षेत्रफल हम बात करेंगे, इस चतुर्भुज, जो भी चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, का क्षेत्रफल बराबर टोटली एबीसीडी का क्षेत्रफल प्लस ये वाला, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ गया, इसका कितना था पहली वाली त्रिभुज का 898.7 प्लस और दूसरे का 600, 600 तो इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 14, 1498.7, तो लगभग लगभग आपका 1500 वर्ग फुट के बराबर आ गया। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल निकल रहा है, आप एग्जैक्टली पूछोगे तो इतना आएगा 1498.7, या आप लिखना चाहो तो 1500 वर्ग फुट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ग फुट है ना। ठीक है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ये गज में, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये आपका प्लॉट है, और प्लॉट का क्षेत्रफल हम हमेशा गज में बोलते हैं कि कितने गज है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1500 में, 1500 में आप 9 का भाग कर दोगे तो ये आ जाएगा वर्ग गज, इतने वर्ग गज बन गया, इतने वर्ग गज, और 9 का इसमें भाग करेंगे तो कैसे करेंगे, आपको दिखाई दे रहा है 1500 बटे 9 है, 3 से काट दीजिए, 3 5 15 500 आ जाएगा, 3 3 9, 3 का फिर इसमें 500 में भाग कर दीजिए, 500 में 3 का कैसे भाग करेंगे, 3 1 3 2 बचे, उतार लेंगे 0, फिर आगे 3 6 18 है, फिर 2 उतार लेंगे 0 3 6 18 है, तो यानी 166.6666 इसी तरीके से आता जाएगा, यानी कि 167 वर्ग गज भी बोल सकते हैं, या 167, इतने वर्ग गज, इतने वर्ग गज बन गया, इतने वर्ग गज बन गया, पहला मेथड याद रखिएगा, 166.67 वर्ग गज। ठीक है, ओके, वर्ग गज आ गया, ये तो पहला मेथड था, दूसरा तरीका सीख लो, दूसरा तरीका भी सीख लो, इसका दूसरा तरीका है, इसको डायरेक्टली किस तरीके से आप कर सकते हो, जल्दी से दूसरा तरीका बताता हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट। बीघा में कैसे निकालें भाई, ये कितने बीघा होगा, तो बीघा के लिए देखिए, समझिए चीजों को, होता क्या है कि अलग अलग स्टेट में बीघा अलग अलग रहता है, कहीं पर 10 बीसे का, कहीं 12 बीसे का, हमारे यूपी में बात की जाए, और ये अलग अलग तहसीलों में भी अलग अलग होता है, क्योंकि हर जगह की तहसील अलग है और हर तहसील में मापदंड अलग है,
लेकिन हम बात करें नॉर्मली हमारे यूपी में चलता है 20 बिस्से का बीघा, एक बीघे में 20 बिस्से होते हैं और एक पक्के बीघा में 3 कच्चे बीघा बनते हैं। और एक पक्के बीघा की हम बात करें एग्जैक्टली हम बात करें तो एक बीघा बराबर होता है 27,225 वर्ग फुट। कितने इतने वर्ग फुट होते हैं याद रखिएगा। और कहीं कहीं पर डायरेक्टली आपका कहीं कहीं पर डायरेक्टली क्या कर देते हैं 27,000 ये क्या 27,225 ये 27,000 वर्ग फुट। कहीं कहीं पर हम डायरेक्टली ये लगा देते हैं तो ये थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए 27,000 लगा देते हैं लेकिन एग्जैक्टली होता क्या ये होता है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है हमारा कितना आया था, हमारा आया था 1500 वर्ग फुट आया था 1500 वर्ग फुट। अब 1500 ये था वर्ग फुट ठीक है 1500 वर्ग फुट में 27,000 का आप भाग कर दीजिए या 1500 वर्ग फुट में आप 27,225 का भाग कर दीजिए तो आपको बीघा निकल के आ जाएगा एक पक्का बीघा। अब मैं आपको देखो दोनों से भाग करके दिखा रहा हूं तो ये है 1500 में भाग कर दे रहा हूं मैं कितने का 27,000 27,000 का 0.0055 इस तरीके से कितने बीघा आ गया कितने बीघा निकल के आ गया। ओके और इसमें भाग करेंगे 1500 में हम भाग करेंगे 27,225 का तो ये भी आपका कितना आएगा 0.055 ये भी इतना ही आएगा इतने बीघा। आप करके देख लो कैलकुलेटर अपने हाथ में बस थोड़ा सा अंतर पड़ता है ये 5 जीरो आ रहा है यहाँ पर ये इतना आ रहा है लेकिन हम 2 अंक तक लेंगे तो भी बराबर आएगा 1 अंक तक लेंगे तो भी बराबर आएगा। ठीक है क्योंकि ये बड़ी माप होती है 1-2 इंच 4-6 इंच का वो त्रुटि भी चलती है तो कुल मिलाकर बात आपको समझ में आ गई कि कभी भी ये अलग अलग स्टेट का अलग अलग रहता है। यूपी की हम बात कर रहे हैं जनरली यूपी में एक बीघा में 27,225 वर्ग फुट लिया जाता है या कहीं कहीं तो 27,000 वर्ग फुट लिया जाता है। और एक पक्का बीघा बराबर होते हैं 3 कच्चे बीघा होते हैं। ठीक है और एक बीघा बराबर 20 बिस्से होते हैं। ठीक है 20 बिस्से होते हैं। ठीक है इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इसको मारे वो भी सीधे सीधे 27,000 या 27,225 का आप वर्ग फुट में भाग कर देना तो आपका बीघा निकल के आ जाएगा कितने बीघा बन गया। क्लियर हुई बात नहीं हुई आई होप कि आपको मैं समझा पाया हूंगा। वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे खूब सस्ती वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद।